हेलो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज में जो अगला टॉपिक होगा हमारा एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसी चैप्टर का एक जो प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल वाले प्रॉपर्टी को हमने पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल के जब एक साइड को जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो जो बनने वाला एक्सटीरियर एंगल होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले वीडियो में कि किसी ट्रायंगल के जब एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो जो बनने वाला एक्सटीरियर एंगल होता है उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। अब जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी का नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के जितने भी एंगल होते हैं उनका सम करने के बाद क्या होता है। ठीक है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में तीन एंगल आपको दिख रहा है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। तो ये जो प्रॉपर्टी है वह कहता है, स्टेटमेंट क्या बताता है कि टोटल मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अगर किसी ट्रायंगल के एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जब मेजर करेंगे तो 180 डिग्री होता है, मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। यह चीज यही बताता है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे आपको तीन एंगल दिख रहा है, यानी एंगल के ट्रायंगल के तीनों एंगल को जब हम लोग सम करेंगे तो वह कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम लोग इस वीडियो में इसको प्रूफ भी करना जानेंगे कि हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होगा वह 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग देखिए, सबसे पहले जो पिछला प्रॉपर्टी पढ़े हैं हम लोग एक्सटीरियर वाला, उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे इसमें। ठीक है, उसको यहाँ पे लाएंगे और उसके हेल्प के द्वारा हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इस ट्रायंगल के किसी एक साइड को प्रोड्यूस कर देंगे। तो हमने ये जो साइड है इसको प्रोड्यूस कर दिया, इस साइड को हमने क्या किया, प्रोड्यूस किया। ठीक है, प्रोड्यूस करने के बाद हमको एक एक्सटीरियर एंगल मिला। ठीक है, ये एंगल क्या हो गया, 4। तो आप जैसा कि जानते हैं कि जब किसी ट्रायंगल के एक साइड को प्रोड्यूस किया जाता है तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसके अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, अपोजिट एंगल का जो सम है उसके इक्वल। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे कि प्रोड्यूस वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के एक साइड को प्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रूफ क्या क्या है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, यहां पे लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल उस प्रॉपर्टी के द्वारा। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अब देखिए इस फिगर में एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, इसको एक नंबर, इस इक्वेशन को आप एक नंबर इक्वेशन मान लीजिए, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब हमारे पास दिख रहा है एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, ये कैसे जी, एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 होगा लीनियर पेयर के द्वारा, जिसको भी आपने पिछला जो चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स उस चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल इसके द्वारा आप लोग एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 होता है तो एंगल 4 बराबर क्या होगा, 180 माइनस एंगल 3 हो जाएगा, ये 3 प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ एंगल 4 इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ
एंगल 4 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल 4 का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो पहले से हमारे पास इक्वेशन क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 180 माइनस एंगल 3, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये देखिए इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए प्रूफ हो गया ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपके जो बुक में है बुक में क्वेश्चन कैसे दिया गया है, आपके बुक में क्वेश्चन रहेगा कि आपको एक ट्रायंगल दे दिया और यहाँ पे लिख दिया 50 डिग्री, यहाँ पे लिख दिया 35 डिग्री और यहाँ पे लिख दिया एक्स। अब इस ट्रायंगल का वैल्यू, इस एंगल का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 50 प्लस एंगल 35 मतलब 50 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स बराबर 180 माइनस, इस दोनों को प्लस करके उधर माइनस कर दीजिए, 85 यानी 90, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप लोग एक्सरसाइज 6.3 आपका होमवर्क रहेगा, एक्सरसाइज 6.3 इस वीडियो के आधार पर आप लोग एक्सरसाइज 6.3 कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।